दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय न्यू कृष्णा एम्पोरियम कॉलेज रोड कांगड़ा। देखिए, परिवार और परिजनों को मिलना आवश्यक था क्योंकि केस सिर्फ तफ्तीश के दायरे में नहीं रहता, लेकिन एक मानवीयता के आधार पर भी मुझे लगा कि इनसे मिलना जरूरी है। और जो केस की इन्वेस्टिगेशन है वो हम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इन जो इसमें आरोपी हैं उसने इंटरिम बेल ली हुई है जिसकी अगली तारीख 17 को है इसी महीने, और उसके बाद ही हम इसमें आगामी तफ्तीश कर पाएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें परिजनों को न्याय मिले। गोहर थाना क्षेत्र के तहत आने वाले मानसा गांव में नाबालिग द्वारा की गई आत्महत्या मामले में पिछले कल परिजनों ने थाने का घेराव किया था। मामले को बढ़ता देख आज एसपी मंडी सौम्या साम शिवन मृतका के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंची और ढांढस बंधाया। एसपी मंडी ने मृतका के परिजनों को भरोसा दिलाया है कि उन्हें जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मामले में जो आरोपी युवक है उसने अदालत से अग्रिम जमानत ले रखी है। इस जमानत पर आने वाली 17 अप्रैल को सुनवाई होगी। उस दिन पुलिस अदालत के समक्ष आरोपी युवक को पुलिस हिरासत में भेजने की अपील करेगी। पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने में की गई देरी को लेकर सौम्या साम शिवन ने कहा कि यह मामला उनके मंडी में कार्यभार संभालने से पहले का है। एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हुई और पुलिस की तरफ से कहां चूक हुई, इस बात को लेकर भी अलग से जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिस तरह मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि ये मेरे आने से थोड़ा पहले का विषय है, और जब तक मैं मंडी ज़िले में आई उसके बाद जो मुझे चीज़ों का ज्ञान हुआ उसके बाद मैं इन परिवारजनों से मिली हूँ और मुझे इस समय इस केस की पूरी जानकारी है। ये ऐसे आरोप ये लगा रहे हैं कि इसमें थोड़ी सी देरी की गई है एफआईआर के रजिस्ट्रेशन में। इसमें किस वजह से देरी हुई है और इसके क्या कारण है इसकी छानबीन हम कर रहे हैं, लेकिन हम आपको और इनके परिजनों को पूरा यकीन दिलाते हैं कि इसमें उन्हें पूरी तरह से न्याय मिलेगा। वहीं मृतका नाबालिग के परिजन एसपी मंडी की तरफ से मिले आश्वासन से संतुष्ट नजर आए। मृतका के पिता पूरन चंद ने कहा कि उनकी तरफ से इस मामले को लेकर आवाज उठाने के लिए पुलिस हरकत में आई और अब जाकर इसकी जाँच की जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि एसपी मंडी उन्हें जरूर न्याय दिलाएंगी। हम केस के लिए एसपी मैडम के पास गए थे और आज उन्होंने हमारे घर आए थे वो, और उन्होंने एक्शन लिया उसके बाद, और उसके बाद गोर पुलिस वाले भी काम कर रहे हैं और एसपी मैडम भी काम कर रही है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया घर आके जो अपराधी है हरजीत कुमार और उसको जल्दी से जल्दी सजा दिलाएंगे और उसकी बेल कैंसिल कराएंगे इस तारा को। हमें विश्वास है एसपी मैडम के और उनका थैंक यू करते कि नहीं उन्होंने इतना बड़ा आश्वासन दिया हमें। उज्जवल हिमाचल के लिए गोहर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।